दिनेश फोगाट को ओलंपिक में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ₹140 करोड़ लोगों की उम्मीदों पर फिरा पानी। तो 150 ग्राम वजन फालतू रह गया तो कुश्ती डिफाइज करती। टूट गया ओलंपिक में गोल्ड मेडल का सपना। जो ये खबर आई डिस्क्वालिफिकेशन की, इससे पूरा देश स्तब्ध है, हम सब स्तब्ध हैं। गोल्ड की थी तैयारी, 100 ग्राम वजन पड़ा भारी। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया। तकनीकी पचड़े से अयोग्य हुई विनेश फोगाट। कितनी टेक्निकलिटी में लकीर का फकीर बनने की आवश्यकता नहीं है। एक एथलीट के पीछे जब हम पूरे भारत के खड़े हो जाते हैं तो पूरे वर्ल्ड को भी पता लगना चाहिए हमारी स्ट्रेंथ। वजन बढ़ने के लिए कौन जिम्मेदार? 2 दिन वो लड़ी हैं, उसके पहले उनका कांस्टेंट था, रात में क्यों वजन बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, ये जवाब उनके न्यूट्रिशनिस्ट ही दे पाए। कौन कसूरवार? ब्लेम गेम पॉलिटिक्स बेशुमार। एक गहरी साजिश है विनेश फोगाट की। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसका संज्ञान लिया है। चरखी दादरी में जश्न की जगह सन्नाटा। सारे हिंदुस्तान पास उम्मीद थी जब विनेश गोल्ड मेडल लेगी तो सारे देश को दुख है। छंद से जो टूटे कोई सपना। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम विनेश तुझे सलाम में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल नाथ, सीधा पेरिस से, जहां आज एक ऐसी खबर आई जिसने 140 करोड़ भारतीयों का दिल तोड़ दिया। विनेश फोगाट, जो इतिहास के इतने करीब थी, जो बन सकती थी पहली भारतीय जो रेसलिंग में ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीत सकती थी, आज आलम यह है कि उन्हें उस कैटेगरी में, रेसलिंग की 50 किलोग्राम कैटेगरी में आखिरी स्थान पर रखा गया है। और उसके पीछे था सिर्फ 100 ग्राम का वेट। 50 किलोग्राम कैटेगरी में वो शिरकत कर रही थी, लेकिन आज जब वेइंग इन हुआ, देखिए 2 बार वेइंग इन होता है खिलाड़ी का, 2 दिन का कंपटीशन होता है और दोनों दिन आपको आके अपना वेट देना होता है। पहले दिन वो 50 किलोग्राम से कम थी, उन्होंने भाग लिया, 3 बेहद शानदार मुकाबले जीते, वर्ल्ड चैंपियन को भी वहां पर उन्होंने मात दी। लेकिन दूसरे दिन फाइनल से पहले सुबह 7 बजे जब वो वेइंग इन के लिए गई तो वो 100 ग्राम उनका वेट ज़्यादा पाया गया। नियम के अनुसार वो कंपटीशन में भाग नहीं ले सकती थी, बल्कि वही नहीं, उनको नियम के अनुसार डिस्क्वालीफाई किया जाता है, और विनेश फोगाट के साथ वही हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि कोशिश नहीं की गई। पूरी रात विनेश, जिस तरह की हमें को जानकारी मिली है, सोई नहीं। पूरी रात उन्होंने वर्जिश की, साइकिलिंग की, जॉगिंग करी, स्किपिंग करी, सोना में गई, जितना वो स्वेट निकाल सकती थी, जितना पसीना निकाल सकती थी वेट कम करने के लिए उन्होंने कोशिश की। 2.7 किलोग्राम कम करना था, 2.6 किलोग्राम तक वो कम करने में कामयाब रही, लेकिन अंत में 100 ग्राम जो उनका वेट ज़्यादा था उसकी वजह से वो भाग नहीं ले पाए। कल रात तक 140 करोड़ भारतीय ये मान कर चल रहे थे कि ओलंपिक में भारत की शेरनी विनेश फोगाट आज गोल्ड मेडल जीतने वाली है। लेकिन पेरिस ओलंपिक से आज सुबह एक मनहूस खबर सामने आई कि रेसलर विनेश फोगाट अयोग्य घोषित हो गई हैं। यह खबर आते ही पूरे देश को गहरा सदमा लगा। 50 किलो की कैटेगरी में लड़ने वाली विनेश फोगाट का वजन कल 49 किलो 800 ग्राम था। नियम के मुताबिक फिर वजन हुआ तो दावा है कि उनका वजन 2 किलो ज्यादा निकला, जिसे कम करने के लिए विनेश ने रात में काफी देर तक लगातार साइकिलिंग और स्किपिंग समेत कई कोशिशें की, लेकिन फिर भी उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा ही रहा। विनेश ने कुछ ही घंटों में 1 किलो 900 ग्राम वजन तक कम भी कर लिया। विनेश ने अपने बाल और नाखून तक काट दिए, इसके बावजूद उनका वजन नहीं घट पाया, जिससे वो तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित कर दी गई। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके
उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। इस तरह 140 करोड़ भारतीयों के उम्मीद पर 100 ग्राम का वजन भारी पड़ गया। देखिए दो दिन में विनेश के वजन में कितना अंतर पाया गया। 6 अगस्त की सुबह मैच से पहले विनेश का वजन 49 किलो 900 ग्राम था। 6 अगस्त को 3 मैच के बाद विनेश का वजन 52 किलो 700 ग्राम निकला। जबकि नियम के मुताबिक फाइनल से पहले आज सुबह फिर जब उनका वजन किया गया तो 50 किलो 100 ग्राम निकला। ऑफिशियल भी अब आ गया है, वहाँ पे जो मैच की लिस्टिंग होती है उसमें फाइनल मुकाबले में विनेश का नाम हटा दिया गया है और जो क्यूबा की खिलाड़ी जिनको उन्होंने हराया था उनका नाम अब वहाँ डाल दिया गया है। तो ऑफिशियली अब वो इस कॉन्टेस्ट से बाहर हो चुके। सवाल है कि जब 6 अगस्त को सब कुछ ठीक था लेकिन 3 मैच के दौरान वजन कैसे बढ़ गया। दरअसल फाइट से पहले एनर्जी के लिए डाइट लेनी होती है, इसलिए लगातार 3 मैच की वजह से डाइट लेनी जरूरी थी जिससे विनेश का वजन तेजी से बढ़ गया। वैसे भी विनेश के सामान्य वजन की रेंज 57 किलो है, यानी उनका वजन इसके आसपास रहता है, इसलिए इतनी जल्दी वजन कम करने से विनेश की तबीयत बिगड़ गई। बचपन से विनेश को धोबी पछाड़ सिखाने वाले उनके ताऊ और गुरु महावीर फोगाट अपने आंखों से आंसू नहीं रोक पाए। खाना के में कुछ ऐसा ले लिया, सुबह एडजस्ट कर लिया वजन, लेकिन वो नहीं हुआ एडजस्टमेंट। जो खाना खुना खाया डाइट थे कुछ हुआ है। इससे पहले भी कभी आपने अपने रेसलिंग करियर में ऐसा देखा हो किसी और कंपटीशन में, किसी और गेम्स में? हाँ, वो जाता है जो वजन जो ठीक नहीं होता, जो ज्यादा वजन होता है उसको निकाल देते हैं। अगर चोट चाट होती तो मेडल जो सिल्वर तो हो जाता, लेकिन जो वजन या 150 ग्राम तो इस कारण जो डिस्क्वालीफाई कर दियो। डिस्क्वालीफाई है, कोई इसका हल नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ। सवाल है कि विनेश का वजन बढ़ने के लिए जिम्मेदार कौन है। इस पर रेसलिंग फेडरेशन के चीफ संजय सिंह ने विनेश के कोच और डाइटिशियन को कटघरे में खड़ा कर दिया। सपोर्ट स्टाफ से यहाँ सवाल नहीं खड़े होंगे, जो डाइटिशियन है 100% ये सपोर्ट स्टाफ के का ही वो है, क्योंकि उन्हीं के खिलाड़ी तो प्रैक्टिस करने में और इसमें है और इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस विनेश ने दिया है और ये इसके जिम्मेदार वही है। बताया जा रहा है कि वजन बढ़ने से परेशान विनेश फोगाट पूरी रात सो नहीं पाई। उन्होंने वजन कम करने के लिए कई घंटे पसीना बहाया। इस दौरान गगन नारंग, पारदीवाला, उनके पति, फिजियो, मेडिकल स्टाफ, आईओए अधिकारी पूरी रात उनके साथ लगे रहे। कहा जा रहा है कि डॉक्टर पारदीवाला ने यहाँ तक कहा कि हम विनेश की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। वजन कम करने के लिए जरूरत से ज्यादा की गई कोशिश की वजह से विनेश रात भर दर्द से कराहती रही। उनका शरीर पूरी तरह टूट रहा था। भारत में 140 करोड़ लोग अभी भी मेडल की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ओलंपिक संघ की ओर से कह दिया गया है कि अब कुछ नहीं हो सकता। Sir, what would you have to say about Vinish's unfortunate removal from this competition? We have to respect the rules. I'm so sad that what happened to her. She had overweight, a very small one, but the rules are rules, and the weigh-in is public. All the athletes are there, and it's impossible to let someone to compete who doesn't make the weight. People are saying that she made the weight on day one and reached the final. If day two she did not, maybe disqualify her from the final, but allow her to get that medal because she won fair and square in the first few games? Impossible, because the brackets are changing, everything is changing, and the rules are rules. Everybody who goes to this continues, they know they have a second way in the next day. विनेश के मेडल से चूकने से पूरा देश निराश है। उनके गांव चरखी दादरी में भी सन्नाटा पसरा है। पेरिस से राहुल रावत और निखिल नाज, चरखी दादरी से राम किंकर सिंह के साथ नितिन श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक। पेरिस ओलंपिक में जो विनेश का सफर रहा है वो तो दिल तोड़ देने वाला रहा, लेकिन अगर आप उनके करियर पर नजर डालें तो वो भारत की सबसे सफल महिला रेसलर है और वो एक नया पैमाना, एक नया स्टैंडर्ड सेट कर सकती थी अगर पेरिस ओलंपिक का मेडल भी उनके हाथ में आता। वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो मेडल जीत चुकी हैं, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं, कॉमनवेल्थ खेलों में वो गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं, लेकिन ओलंपिक में कहीं ना कहीं वो जिस तरह की सफलता हासिल कर सकती थी वो उनसे दूर रही। रियो ओलंपिक 2016 चोट की वजह से बाहर, टोक्यो ओलंपिक 2020 क्वार्टर फाइनल में बाहर,
पेरिस ओलंपिक 2024, वेट विवाद में फाइनल से बाहर। एक खिलाड़ी के लिए इससे बड़ा दुख, इससे बड़ा दर्द, इससे बड़ी वेदना और क्या हो सकती है। खेलों के जिस महाकुंभ के लिए एक खिलाड़ी पूरा जीवन लगा देता है, उसमें एक नहीं तीनों मौकों पर यानी तीनों ओलंपिक्स में किस्मत दगा दे गई। जिद और जुनून के लिए जानी जाती है विनेश। कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर हैं विनेश। हिंदुस्तान की महिला कुश्ती में विनेश ने मेहनत और तेवरों के बूते अलग ही नाम कमाया है। यही वजह है कि पिछले 10 सालों में कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उन्होंने विरोधी पहलवानों को जिस तरह से पटकनी दी है, हर बार ओलंपिक में वो एक दावेदार के तौर पर भाग लेती रही, लेकिन बदकिस्मती हर बार उनके साथ साथ ओलंपिक में पहुंच जाती है। वो चैंपियन थी और चैंपियन रहेंगी, गोल्ड मेडलिस्ट, चाहे वो अभी शायद ना बन पाए क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन के कारण, बट हमारे लिए शी इज अ गोल्ड गर्ल। तो मैं कहूंगा कि उन्होंने ऑलरेडी गोल्ड नहीं बहुत कुछ किया है इस भारत देश के। इस बार पेरिस में विनेश ने जो किया वो बड़े बड़े पहलवानों के लिए सपना होता है। सबसे पहले उन्होंने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की सुसाकी को 3-2 से मात दी। पूरी दुनिया हैरान रह गई क्योंकि विनेश ने जिसे हराया था वो पिछले ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीती थी और अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में उसे कभी किसी रेसलर ने नहीं हराया था। फिर क्वार्टर फाइनल में विनेश ने यूक्रेन की ओक्साना को 7-5 से हराया। अब विनेश और ओलंपिक मेडल में एक जीत की दूरी थी और सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की गजमैन लोपेश को पटखनी देकर इतिहास रच दिया। देखिए मैं तो यही कहूंगा बेटा, जो कुछ हो गया, अपने जो निसमी ने लिखा था मेडल, और आगे जो 2028 के लिए आप अभी से तैयारी शुरू कर दे। विनेश डिस्क्वालिफिकेशन इज वेरी शॉकिंग एंड आई मेट विनेश एट द ओलंपिक विलेज पोलियो क्लिनिक a short while ago and assured her complete support of the Indian Olympic Association, Government of India and the whole country. We are providing Vinesh all medical and emotional support. इससे पहले भी देश के लिए सोना और सिल्वर जीतने में उन्होंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। सुर्खियां बटोरनी उन्होंने शुरू की 2014 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद 2018 और फिर 2022 में लगातार दो और कॉमनवेल्थ गेम्स में उनके खाते में गोल्ड मेडल आया। इस दौरान एशियन चैंपियनशिप में भी उनका जलवा बरकरार रहा और 2015, 2017 और 2018 में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। 2020 में वो एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर से चूकी लेकिन ब्रॉन्ज लेकर आई। 2018 में एशियन गेम्स में उन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता, जबकि 2019 और 2022 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। विनेश के लिए ओलंपिक आफतों का दौर बनकर रह गए हैं। निराशा के इस गर्त से निकलना आसान नहीं है, लेकिन उम्मीद यही है कि वो उठेंगी, फिर लड़ेंगी और फिर जीतेंगी। आज तक भी। तो फिलहाल बस इतना ही समय था इस विशेष में जो हम आपको लेकर आ रहे थे सीधा पेरिस से। विनेश तुझे सलाम।